ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में रुक कर लेते हैं गोंडा की ओर। गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज के शिवदयाल गंज कटरा प्राचीन राम जानकी मंदिर पवित्र सरयू नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ विराजमान है। इसी मंदिर में पंच दिवसीय कार्यक्रम के साथ दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मूर्ति स्थापित होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मंदिर की मान्यता है लोग खाली हाथ आते हैं और झोली भरकर जाते हैं। इस मंदिर के नीचे तपस्थली स्थल भी बना हुआ है जहां पर साधु संत तप किया करते थे। वे स्थान आज भी मंदिर के नीचे मौजूद है। यह मंदिर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। महाराज जी आप अपना परिचय दें। श्री देवी दीनदास राम जानकी मंदिर ब्रज घाट लकड़ मंडी महेशपुर बहुत पुरानी मंदिर राम जानकी जी की श्री तपो भूमि स्थान बाबा राम सेवक दास जी जो मंदिर का उद्धार किए। बहुत पुरानी मंदिर 150 वर्ष की पुरानी मंदिर है। महाराज जी आज यहाँ पे कोई कार्यक्रम भी चल रहा है? यहाँ महालक्ष्मी जग जो है ये शुरुआत हुई है धनतेरस से और पांचवें दिवस जाकर के समाप्ति होगी। पंच दिवस समाप्ति होगी। कार्यक्रम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। कार्यक्रम कल जो है जल दिवस था और आज जो है अन्न दिवस है। कल जो है फूल दिवस जाकर के पड़ेगा और परसों जो है जाकर के भगवान की कृपा से फूल दिवस और अन्न दिवस, दूध दिवस, जल दिवस। यहाँ पे किस मूर्ति की जो है स्थापना हो रही है? यहाँ महालक्ष्मी नारायण महालक्ष्मी जी की जो है मूर्ति स्थापना हो रही है। श्री राम जानकी मंदिर एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा पता फिर से बताएं। श्री राम जानकी मंदिर अगर वो कटरा जो है पहुंचे तो कैसे आएंगे आपके यहाँ? कटरा से दक्षिण साइड अयोध्या जी के तरफ जब आप आने लगे तो वहां से एक रास्ता कटी हुई है जो है बाई की तरफ सीधे लकड़ मंडी ब्रिज घाट राम जानकी मंदिर पे आई है के सरजू के किनारे उत्तर। ये जो आपका मंदिर है ये कितने वर्ष पुराना है? ये 150 वर्ष पुरानी है। इससे पहले यहाँ पे कौन कौन थे? यहाँ बाबा राम सेवकदास जी थे हमारे परम तपस्वी जो है। उसके बाद में जाकर के बाबा प्रेम नारायण दास जी हुए। बाबा प्रेम नारायण दास के बाद में बाबा कमल नारायण दास जी हुए और उसके बाद में आज 18वां वर्ष हमें है। देवी दीनदास जो है भगवान की सुबह और शाम दोनों टाइम धूप आरती करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। साल में 2 बार यहाँ भंडारा होता है। आप अपना परिचय दें। जी हमारा नाम आचार्य अमृतेश पांडे है। हम अयोध्या दशरथ महल में जो नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है वहीं पर रहते हैं और यहाँ पे हम आए हुए हैं आचार्य पद पे। यहाँ श्री महालक्ष्मी नारायण प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है। कल प्रथम दिवस की सायंकालीन बेला में सभी देवी देवताओं का आह्वान हुआ है। माता जी को जल में अधिवास दिया गया है और अभी आज के दिन आज माता जी को अन्न में अधिवास दिया जाएगा और उसके बाद में ऐसे ही मतलब कार्यक्रम की प्रक्रिया चलती रहेगी। पंच दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। द्रव्य को बदल बदल के माता जी का अधिवास कराया जाएगा। पंच दिवस में पांचवें दिन जो है माता जी को प्राण प्रतिष्ठित कराया जाएगा। यहीं पे बगल में मंदिर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। माता जी की मूर्ति बाहर रखी हुई है, बड़ी ही स्वर्णमयी मूर्ति है, बड़ी ही दिव्य मूर्ति है, बड़ी सुंदर आभा छभा है, छटा है माता जी। इस मंदिर के बारे में कुछ हमें बताएं। ये इस मंदिर की विशेषता ये है, इस मंदिर के नीचे आप जाएंगे अभी देखेंगे तो कितने फुट नीचे नीचे एक वो बना हुआ है तपोस्थली। जी इस मंदिर की विशेषता ये है, आज के 200 वर्ष पूर्व एक महात्मा थे राम सेवक दास जी महाराज। बहुत ही उच्च कोटि के संत थे, बहुत ही अच्छे साधक थे, बहुत ही अच्छे तपस्वी थे।
भीषण महामारी से क्षेत्र जब जूझ रहा था तो उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस महामारी को नष्ट किया था। तो इसी क्षेत्रवासियों ने मिलके इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये 200 वर्ष पूर्व प्राचीन प्रतिमा है और इस मंदिर की सबसे बड़ी प्रधानता ये है कि यहाँ पे आने वालों की मतलब जो भी मन्नतें होती हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र श्री सीताराम जी की कृपा से पूर्ण होती है।